हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखने वाले हैं जीके के 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइए और 40 में से आप कितने सही कर पाते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं डेली इसी तरीके से ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट आपको लगाने को मिलता रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास डेली एक नोटिफिकेशन पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो पहले टेस्ट अपलोड हो चुके हैं उनके प्लेलिस्ट बना के मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से रीजनिंग और मैथ की भी वीडियो के प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो पूरी प्रिपरेशन आपकी यहीं से हो जाएगी अगर आप ये सारी वीडियोज देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप एक लाइक तो जरूर करेंगे आज के टेस्ट को जैसे आप डेली करते हैं, ठीक है, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को ताकि दूसरे की भी हेल्प हो जाए किसी की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे, आप उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो प्लीज़ हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा होगा। आई होप कि आपने आंसर कर दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो वेरी गुड अगर आपने ऑप्शन सी लगाया है। क्वेश्चन नंबर 2, कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है। तो इसमें से बताइएगा ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा होगा। तो बिल्कुल सही है अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। तो तीसरे का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी को पता होगा और नहीं पता है तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, संकल्प परियोजना किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई थी। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। और 5वें का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है तो ध्यान रखिएगा इसको भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है तो आशा करता हूं कि आपने लगा दिया होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो देखिए, 7वें का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है जो शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ए ऑप्शन होगा या बी या सी या डी। तो बिल्कुल सही है, अगर 9 का राइट आंसर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, देवनागरी लिपि में इनमें से कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो यहां पे बिल्कुल सही सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। यह आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए।
तो बिल्कुल सही है, 11वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों पुरस्कार मिले थे? अगर टेस्ट पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यही एक चीज होती है जो मोटिवेट करती है हमेशा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। 12वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है भाई, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में शामिल है। तो देखिए, यूनाइटेड किंगडम जो है इन सभी का मतलब इन सभी को मिला के यूके बोला जाता है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, जापान की मुद्रा है? तो सभी को पता है 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? ये भी काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। तो आशा करता हूं कि आपने लगा दिया होगा इसका आंसर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो बिल्कुल सही है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, शिव थापा किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था आपका किसी एग्जाम में, अभी बहुत सारे एग्जाम आपके चल रहे हैं, जैसे ग्रुप डी का हुआ था और एएलपी का हुआ था, इनमें किसी एग्जाम में मतलब पूछा गया था। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। G8 क्या है? तो G8 आपका बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहां पे 19 का बी लगा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बताएं, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति मेमोरी कहा जाता है? तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इंटरनेट का प्राय क्या है? देखिए, जितने स्टूडेंट यहाँ तक आ चुके हैं तो इसका मतलब आप सीरियस एक कैंडिडेट हैं, मतलब जो हमेशा टेस्ट को पूरा लगाते हैं। तो प्लीज़ 20 क्वेश्चन और हैं, टेस्ट बहुत ही छोटा होता है, तो ये जो 40 30 50 क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ इनको ज़रूर देख लिया करें पूरे को। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। USB क्या है? तो ये भी आपको पता होगा, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मैं ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें जब हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस सारी चीज़ें करते हैं तो कुछ कंप्यूटर के भी हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो सही है, अगर आप 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी लगा रहे हैं। ठीक है, सीपीयू को मतलब दिमाग भी बोला जाता है कंप्यूटर का। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? तो बिल्कुल सही, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो वो ट्यूब होती थी पीछे, आपने देखा होगा कंप्यूटर में, टीवी में, वो अब नहीं आती। अब वैसे भी नॉर्मल टीवी जो एलसीडी टीवी आते हैं उनमें भी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 25। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? तो 25वें का राइट आंसर आप ऑप्शन में जरूर लिखिएगा, जो भी आपका आंसर है ए बी सी डी में से कौन सा रहेगा।
तो दोस्तों बिल्कुल सही, अगर आप 25वें का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन टी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा को कितने समय में पारित करना होता है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है भाई, 6 सप्ताह होता है, 6 महीने नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो सप्ताह होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ों के आकलन हेतु आधार वर्ष क्या है? तो बिल्कुल सही है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, किस आधार पर देशों की रैंकिंग तय करता है? अगर आप यहां पे ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रति व्यक्ति आय से आशय है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है? तो 30 का राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ए लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन अभी ALP में पूछा था, मेरे बिल्कुल ध्यान आ गया अभी एकदम, ये ALP में पूछा गया क्वेश्चन था और वैसे भी पूछा ही जाता रहता है और सभी को पता होगा, इसका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो बिल्कुल सही है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहां तक टेस्ट लगाए हैं तो बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो कि बस वही स्टूडेंट सुन पाएंगे या वही जान पाएंगे जो यहां तक टेस्ट को देने आए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ आपको और पता होगा आपको भी, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए एक क्वेश्चन है 34, टाइगर मच्छर किसे कहते हैं? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है, इस सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही, 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐसा है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? तो बिल्कुल सही, 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो बिल्कुल सही, 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के कामकाज की 5वीं भाषा के रूप में स्वीकृति मिली है?
तो बिल्कुल सही, 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, झावेरी बहनों दर्शना नैना रंजना एवं सुवर्णा का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो दोस्तों 40वें का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी। देखिए ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, और इन सभी के आंसर हैं यहाँ पे, मैंने लिख के यहाँ पे इसमें बता दिया आपको नीचे।